हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीके गुप्ता, होम्योपैथ। आज बात करूंगा एक मोटिवेशनल विषय पर, प्रेम, भक्ति और आकर्षण के बारे में। देखिए दोस्तों, आकर्षण को सबसे पहले लेंगे। जैसे चुंबक का नेगेटिव और पॉजिटिव दो पोल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है, उसी प्रकार से हार्मोनी इस तरह की होती है। फीमेल और मेल बच्चे बच्चियाँ होते हैं, उनके हार्मोन इस टाइप के होते हैं, वो आकर्षण रहता है, उसी को लव समझ बैठते हैं और उसकी वजह से वो कई बार नुकसान भी उठाते हैं और बड़ी दिक्कत होती है। देखिए दोस्तों, दूसरी बात यह है भक्ति। भक्ति का मतलब यही है कि भगवान के पास जाते हैं। आजकल वो अच्छी सच्ची भक्ति तो रही नहीं है, क्योंकि भगवान के पास जाते हैं, 10 रुपये चढ़ाते हैं और भगवान से अपनी बहुत सी डिमांडें रख देते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और यदि होने में थोड़ा सा विलंब होता है तो वो भगवान को भी छोड़ देते हैं। एक भगवान को छोड़ के दूसरा भगवान अपना बना लेते हैं, और इस प्रकार से आजकल भक्ति चल रही है लोगों की। और प्रेम नाम की चीज़ तो देखिए दोस्तों, प्रेम का मतलब है त्याग की भावना। आजकल मिलना ही बहुत मुश्किल है, 2-4% ही कुछ होगा। और यदि अगर कोई व्यक्ति आपस में प्रेम करते भी हैं तो उनको मतलब पहले होता है। आजकल के जो है लोग प्रेम में भी दिमाग लगाते हैं, लोग होशियार हो गए हैं और वो दिमाग लगाकर ही प्रेम करते हैं। अपने से ऊंची जगह प्रेम करना उनको अच्छा लगता है, और कोई नीचे अपने से नीचे वालों को प्रेम नहीं करता। देखिए दोस्तों, आजकल जो है सब दुनिया में मतलब के ही लोग होते हैं, मतलब के हिसाब से प्रेम करते हैं, और उसमें जो है उनको कुछ हासिल होता नहीं है। देखिए दोस्तों, सच्चा प्रेम त्याग की भावना को कहते हैं। यदि अगर किसी के लिए हम सब कुछ न्यौछावर कर सके तो वही सच्चा प्रेम है। जहाँ हम न्यौछावर नहीं कर सकते तो फिर वो प्रेम नहीं है, वो मतलब हो गया दोस्तों। और ऐसी भक्ति में है, यदि अगर हमने भगवान से जाकर कुछ मांग लिया तो हमारी भक्ति भक्ति नहीं रह जाती, वो व्यापार हो जाता है, मतलब हो जाता है दोस्तों। और इस प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड फॉलो कीजिए दोस्तों। मेरे को बस यही कहना था।